हम एक सूप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाइट वेलवेट सूप। हम ये है बॉईल किए हुए बादाम, सिर्फ बॉईल किया हुआ है, छिलका उतारा है। उसमें आप डालेंगे पेपरिका, ठीक है, पेपरिका पाउडर है ये, और फिर हल्की आंच पे आप इसको टोस्ट करेंगे, ड्राई टोस्ट, तेल वेल नहीं जाए, ठीक है। पेपरिका के साथ कोट करिए, स्टॉक क्यूब्स डाल दीजिए और पानी। ब्रेड को आप टोस्ट कर दीजिए या इस तरह छोटे ट्रायंगल्स में काट लीजिए। ये बादाम जो हमने बॉईल करके छिलका उतारा था और फिर उसको हमने पैन में रोस्ट कर दिया था पेपरिका के साथ। लहसुन और ये लीक चला गया, व्हाइट पार्ट ओनली, फिर दूसरा हम यूज करेंगे डेकोरेशन के लिए द ग्रीन पार्ट थोड़ा सा। और ये गोभी पूरी एक छोटी, कॉलीफ्लावर है। सब कुछ हमें वैसे भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है, सो इस तरह जब आप बनाएं तो याद रखिएगा ये ब्लेंडर में जाने वाला है। और जब आप सूप का ये क्यूब इस्तेमाल करें तो फिर नमक कम रखिएगा, ठीक है। अच्छी तरह शाताज कुकिंग ऑयल में आप इसको भूनिए। गोभी को, फूल गोभी है, लीक है, लीक नहीं मिले हरा प्याज उसका सफ़ेद पार्ट डाल दीजिएगा, और लहसुन, फिर इसमें आप ये बीन्स शामिल कर दीजिए। फिर आप इसमें जायफल डालिए और थोड़ा सा बराए नाम नमक। अच्छी तरह भूनिए और आप इसमें दूध डाल दीजिए। एंड द स्टॉक क्यूब वाला सूप, दैट्स योर व्हाइट वेलवेट सूप। अब अच्छी तरह गोभी को पक जाने दीजिए, पक जाएगा तो ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर दीजिए और फिर टोस्ट के साथ या ब्रेड के साथ, और ऊपर से ये हम स्पाइस वाले नट्स डाल देंगे जो पेपरिका में हमने बादाम को पका लिया था। दैट्स इट, कितना आसान है। सूप हो गया है, हमने ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर दिया था, जब गोभी हो जाए तो, ठीक है, प्लीज़ ये याद रखिएगा। और बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत पतला नहीं, जो लिखा है वही दूध वगैरह वो सब कुछ उतना ही डालिएगा प्लीज़। नाउ वी जस्ट हैव टू टेक इट आउट।